दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, पटना में 92 घाटों को छठ के लिए तैयार करने में प्रशासन का पसीना छूट रहा। अगले 10 दिनों में घाटों के व्रतियों के लिए तैयार करने में अफसरों को दिन रात एक करना पड़ रहा। 3 घंटे में 6 किलोमीटर पैदल चलकर प्रशासन की टीम ने 28 घाटों को देखा, लेकिन अभी तक खतरनाक घाटों की भी सूची नहीं तैयार हो पाई है। इसके बाद भी दावा किया जा रहा है कि समय से घाटों की तैयारी कर ली जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरा प्रयास कर रहे हैं घाटों को जल्द से जल्द तैयार कर लिया जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेशों के बाद से ही प्रशासन खासा एक्टिव दिख रहा। अगली बड़ी खबर, कटिहार में पंचायत चुनाव प्रचार में स्टार प्रचारकों का तड़का लगने लगा है। इसी कड़ी में भोजपुरी की लोकप्रिय गायिका देवी को बरारी प्रखंड के बाड़ी नगर पंचायत में अपनी महिला मित्र के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंची। देवी ने अपनी सहेली रितु कुमारी के प्रचार में पहुंचे लोगों के विकास के मुद्दे पर वोट करने की अपील की है। रितु पंचायत समिति सदस्य प्रत्याशी है। प्रचार करने गई देवी ने लोक आस्था के महापर्व छठ से पहले माहौल को देखते हुए छठ से जुड़ा गाना भी गाया और वादा किया कि अगर उनकी मित्र पंचायत समिति पद पर जीत गई तो प्रखंड प्रमुख बनने के बाद वह इस इलाके में एक बार फिर आकर बड़ा कार्यक्रम करेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार के पटना में गांधी मैदान में 8 साल पहले सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने 9 आतंकियों को सजा का ऐलान कर दिया है। विशेष एनआईए कोर्ट के जज गुरविंदर सिंह मल्होत्रा ने 4 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई, जबकि 2 को उम्र कैद की सजा दी और 2 दोषियों को 10 साल और 1 को 7 साल की सजा सुनाई है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की ओंकार रैली में 27 अक्टूबर 2013 हुए बम ब्लास्ट मामले में जेल में कैद 10 में से 9 आतंकियों को बीते 27 अक्टूबर को दोषी करार दिया गया था। अगली बड़ी खबर, पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा है। इसमें एक बुजुर्ग अचानक रोने लगा। सीएम ने जब रोने का कारण पूछा तो बुजुर्ग ने कहा कि साहब, मेरे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, अब मेरा कोई सहारा नहीं है। इस पर सीएम ने वृद्ध फरियादी को डीजीपी के पास भेजा और कहा कि डीजीपी इस मामले को देख लेंगे। वहीं एक व्यक्ति ने सीएम से कहा कि गाँव के दबंग भूमाफिया ने परेशान कर रखा है, तो मुख्यमंत्री ने युवक को डीजीपी के पास ही भेज दिया। अगली बड़ी खबर, तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव की मतगणना को लेकर राजद खासा चिंतित है और इसको लेकर बिहार की राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी ने उपचुनाव की गिनती के लिए अपनी ओर से पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी ने कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में धांधली और प्रशासनिक गड़बड़ी की आशंका जताई है। इसके मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शाम 5 बजे दरभंगा के लिए रवाना हो गए। जेडीयू उपाध्यक्ष संजय सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि आरजेडी उपचुनाव में होने वाली हार से डर गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगली 2 रात तक दरभंगा में ही कैंप करेंगे। वहीं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के नेतृत्व में आरजेडी नेताओं की एक टीम तारापुर विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग के लिए मुंगेर पहुँच गई है। अगली बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार ने बढ़ती महंगाई को लेकर लाचारगी जाहिर की। उन्हें महंगाई के बारे में पता तो है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने अपने आप को इससे अलग बताया। सीएम नीतीश कुमार देश में बढ़ती महंगाई को लेकर साफ कहा कि अब कोई यहाँ की बात तो नहीं है, पूरे देश की बात है। यहाँ के बारे में कोई बात हो तब बताइए, सीमित जगह की बात होती तो बात थी या तो पूरे देश की बात है। प्रतिदिन यह खबर सामने आती रहती है कि पेट्रोल डीजल के दाम कभी बढ़ता है तो कभी कम होता है, इस पर नीतीश कुमार की सरकार कुछ नहीं कर सकती। अगली बड़ी खबर, बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण के सीटों पर प्रचार का शोर थम गया है। छठे चरण में 3 नवंबर को 37 जिलों में 57 प्रखंडों में वोटिंग हुई है। इन सीटों पर दीपावली और छठ के बाद मतगणना होगी। इसकी वजह से छठे चरण की सीटों पर रिजल्ट के लिए 10 दिनों का इंतजार करना होगा। यहां मतगणना 13 और 14 नवंबर को की जाएगी। अगली बड़ी खबर, मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब कांड से 5 की मौत में जांच दर जांच पर खुलते जा रही है। पुलिस की जाँच में पता लगा है कि पश्चिम बंगाल से होम्योपैथी दवा और मिथाइल अल्कोहल मंगाई गई थी। इसे सरैया के संतोष ने मंगवाया था और उसने रैपर, ढक्कन और शराब की खाली बोतल भी खरीदी थी, फिर उसे अपने घर में ही तैयार किया था। शराब बनने के बाद इसे एक पीडीएस दुकानदार ने खरीदा था, जिसे उस रात पार्टी में सप्लाई किया गया था। इसका सेवन करने से आधिकारिक तौर पर 5 लोगों की मुजफ्फरपुर में मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर, बक्सर में सदर विधायक संजय तिवाड़ी के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लगे। मामला चौसा के समीप रामपुर में कचरा डंपिंग जोन बनाने का है। यहां देवी डेरा नागपुर गांव के बीच डंपिंग के लिए जमीन का चयन किया गया। आज
विधायक संजय कुमार तिवारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र मिश्र दलबल के साथ चिन्हित जमीन को देखने पहुंचे थे। इसी बीच कई गाँव के लोग वहां आगे डंपिंग जोन का विरोध करने लगे। विधायक द्वारा उनकी बात नहीं मानने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस बीच लोगों का हंगामा देख विधायक अधिकारियों के साथ वहां से निकल गए। मुजफ्फरपुर जिले की विशेष पुलिस टीम ने लूट की 9 वाहनों के साथ 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 स्कॉर्पियो, 1 बोलेरो, 2 कार और 4 बाइक के अलावा 4 पिस्टल और 3 गोलियां भी बरामद हुई। एसएसपी ने बताया कि यह गिरोह काफी दिनों से जिले में लूटपाट की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस कब से इस गिरोह के साथियों को तलाश कर रही थी, लेकिन यह बार बार अपना ठिकाना बदल ले रहा था। इसी दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि यह गिरोह कांटी क्षेत्र में एकजुट होकर लूटपाट की योजना बना रही है। डीएसपी वेस्ट कुमार अभिषेक के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की गई। मौके से 4 लुटेरे फरार हो गए, वहीं 6 को टीम ने दबोच लिया। अगली बड़ी खबर, बिहार के अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे, हवाएं ठंड का एहसास कराएगी। सुबह और शाम को हवा में अधिक ठंड होगी और खुले में धुंध भी दिखाई देगी। नवंबर माह के पहले सप्ताह में मौसम में अधिक परिवर्तन दिखाई देगा। अक्टूबर माह में सामान्य से 208% अधिक हुई बारिश भी नमी के कारण ठंड का एहसास करा रही। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में रात के तापमान में अब लगातार गिरावट दर्ज की जाएगी। अगली बड़ी खबर, खगड़िया जिले के मानसी थाना में 1.5 माह तक ड्यूटी करने वाले फर्जी दरोगा विक्रम कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसके विरुद्ध केस दर्ज करते हुए जेल भेजने की प्रक्रिया अपनाई जा रही। एसपी मितेश कुमार ने इस मामले में मानसी के थानाध्यक्ष दीपक कुमार पर भी विभागीय कार्रवाई करने की बात कही है। जिले में फर्जी दरोगा पकड़े जाने के बाद खुलासे के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। कोई भी पुलिस पदाधिकारी इस मामले में कुछ भी कहने से परहेज कर रहा। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में अभी के लिए इतना ही। बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माय स्मार्ट बिहार को। वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर साथ ही साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।